हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अश्विनी केक्स एंड क्लासेस। और मैं अश्विनी आप सबका स्वागत करती हूँ। वैसे तो केक्स एंड कुकीज बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन कभी कभी हम उसे अच्छे से बेक नहीं कर पाते, कभी कभी जल जाता है, या कभी कभी मैं देखती हूँ हमेशा सिंक हो जाता है, या फिर कभी कभी पक ही नहीं पाता। तो आज इस सेशन में हम देखेंगे कुछ ऐसे ही सिंपल एंड इजी बेकिंग टिप्स, जिससे आपका केक 100% अच्छे से बेक होगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो देखते हैं टिप नंबर 1, इंग्रेडिएंट्स। हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स हमें रूम टेम्परेचर पे ही लेना है। दूध हो, मैदा हो, बटर हो या एग हो, सारे इंग्रेडिएंट्स रूम टेम्परेचर पे ही चाहिए। सेकेंड है मेजरमेंट। तो मार्केट में ऐसे कुछ कप्स एंड स्पून के सेट मिलते हैं, तो आपको यही यूज़ करने होते हैं बेकिंग के लिए। तो हम हमेशा क्या करते हैं, मैदा हम रेसिपी में लिखा होता है 1 कप, तो हम ऐसे दबा दबा के इसको फिल करते हैं। तो आपको ये करना नहीं है, आपको हमेशा कप का मेजरमेंट लेना होता है ऐसे, और किसी भी एक नाइफ या किसी आप उंगली का भी यूज कर सकते हो। इसे हमें कर देना है प्लेन, और ये होता है परफेक्ट 1 कप मेजरमेंट। ऐसे ही हम पाउडर शुगर का मेजरमेंट लेंगे, या फिर जो भी आपके इंग्रेडिएंट्स हो, आपको सबका मेजरमेंट ऐसे ही कर लेना है लेवल में। ओके, थर्ड नंबर पे आता है बेकिंग टेम्परेचर एंड प्रीहीटिंग प्रोसेस। अगर आप कुकर में केक बेक कर रहे हो, तो आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है, कुकर की इसकी सिटी निकाल देनी है, और ये जो ब्लैक रिंग होती है ये निकाल लेनी है। और यहाँ एक रिंग रखनी है, और इसे ढक्कन लगा के हमें गैस पे फुल फ्लेम पे इसे रख देना है अप्रोक्सीमेट 5 मिनट के लिए। तो ये हो गया आपका प्रीहीटिंग प्रोसेस गैस। अगर आप माइक्रोवेव या अवन में बेक कर रहे हो, तो ये आपको रखना है 180 डिग्री पे, और 10 मिनट्स के लिए इसे छोड़ देना है प्रीहीटिंग के लिए। सेम अवन एंड माइक्रोवेव में सेम सेटिंग होती है। तो ये हो गए प्रीहीटिंग प्रोसेस। अब देखते हैं बेकिंग टेम्परेचर। बेकिंग टेम्परेचर मोस्टली माइक्रोवेव या अवन में सेम होता है, 180 डिग्री पे 45 से 40 मिनट तक। और गैस के ऊपर अगर बेक कर रहे हैं कुकर में या पतीले में, तो आपको मीडियम फ्लेम पे बेक करना होता है, सेम टाइमिंग 45 से 40 मिनट तक। इस चीज का बेकिंग टेम्परेचर अलग होता है एंड टाइमिंग भी अलग होता है, तो जैसे आपकी रेसिपी में लिखा हो उस हिसाब से आप यूज करें। नंबर 4 पे आता है सिलेक्शन ऑफ परफेक्ट बेकिंग टीम। अगर आपका केक का मेजरमेंट सपोज 1 कप मैदा, 1/2 कप शुगर ऐसा है, तो मोस्टली आपको लगने वाला है एक 7 to 8 इंच का पैन। अगर आप ये यूज ना करते हो, अगर आप बड़ा साइज का पैन यूज करोगे, तो क्या होगा, हमारा केक की जो हाइट होती है वो अच्छे से नहीं आएगी। बेक तो होगा परफेक्टली, बट वो अच्छे से फूल नहीं पाएगा, उसकी हाइट अच्छे से नहीं दिखेगी। तो आपको परफेक्ट टिन का हमेशा यूज करना चाहिए। सेम वे से अगर आपका केक का मेजरमेंट ज्यादा है, और आप अगर परफेक्ट टिन नहीं यूज कर रहे हो, यहाँ मुझे लगने वाला है 9 इंच टिन, और मैं यहाँ यूज करूंगी 7 इंच टिन, तो क्या होगा, केक हमारा ओवरफ्लो हो जाएगा। नंबर 5 पे आता है डू नॉट ओवर मिक्स योर बैटर। आप जब भी बैटर बना रहे हो, तो आपको जस्ट उसे मिक्सअप करना है, ओवर मिक्स बिल्कुल ही नहीं करना है। हमें आदत होती है किसी भी बैटर को बहुत ज़्यादा मिक्सअप करने की, लेकिन बेकिंग में ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना है, ये बात ध्यान में रखिए। सिक्स नंबर पे आता है हमारा ग्रीसिंग ऑफ टिन।
ये मेरा टिन है। आप ऑयल या बटर किसी का भी यूज कर सकते हो। फर्स्ट मेथड है कि हमें ऑयल को सारे साइड्स लगा देना है और लेना है सूखा मैदा और इसे कर लेना है सारे साइड से अच्छे से अप्लाई। सेकंड मेथड है कि अगर आपके पास बटर पेपर अवेलेबल है तो सेम केक के टिन साइज का बटर पेपर काट लीजिए और इसे आप प्लेस कर दीजिए एट द बॉटम। नंबर 7 पे आता है डू नॉट डिस्टर्ब योर ओवन और कुकर। अगर आप केक बेक कर रहे हो, अगर आपका टाइमिंग है 40 मिनट्स और आप उसे 20 मिनट्स बाद ही आप उसे चेक करते हो तो जो बेकिंग प्रोसेस है वो बीच में ही डिस्टर्ब हो जाएगी एंड आपका जो केक फूला है वो डायरेक्टली सिंक हो जाएगा। दैट्स वाई आपको कभी भी बेकिंग होते टाइम उसको डिस्टर्ब करना नहीं है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिए और आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि अगले रेसिपीज का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए बाय, स्टे होम स्टे सेफ।